नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम फरवरी महीने में 25 ई बसों को चलाने की योजना बना रहा है। जनवरी में ई बसें परिवहन विभाग के डिपो आ जाएंगी और फरवरी में ई बसों को यात्रियों के लिए चलाया जाएगा। बीएसआरटीसी जिन बसों को संचालन फरवरी में शुरू करेगा वो आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार और एनडीए की जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपनी पार्टी आरजेडी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तेजस्वी यादव आज समीक्षा बैठक करेंगे। पार्टी के विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ तेजस्वी यादव समीक्षा करेंगे। विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के अलावा किसान आंदोलन पर भी अपने नेताओं से फीडबैक लेंगे। बिहार के पटना में नकली पनीर की खपत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। हालात ये हैं कि पटना के बड़े रेस्टोरेंट और होटलों में भी नकली पनीर की सप्लाई की जा रही है। ऐसे ही एक नकली पनीर बेचने वाले को पटना के फूड इंस्पेक्टर ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल ये पनीर वाला राघोपुर से पटना एक बड़े रेस्टोरेंट में पनीर सप्लाई के लिए पहुँचा था। फूड इंस्पेक्टर अजय कुमार को सप्लाई हो रहे पनीर पर शंका हुई तो उन्होंने सामने ही पनीर पर केमिकल सोल्यूशन डालकर उसे जाँच किया। इसके बाद पनीर मिलावटी पाई गई। दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन का लगभग हर दल ने समर्थन किया है। इस बीच बिहार में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव बैठ गए हैं। उन्होंने पटना में आज किसानों के पैरों को पखारा। इसके बाद आयोजन धरना स्थल बड़ी पहाड़ी गया मोड़ बाईपास में अपने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए। इससे पहले 4 दिनों से लगातार यहां धरना दिया जा रहा है। इस मौके पर पप्पू यादव ने किसानों के समर्थन में 22 दिसंबर को राजभवन मार्च करने की घोषणा की और आगे आने वाले दिनों में गांधी मैदान में सभा करने को भी कहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के ट्वीट पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने कहा है कि जीतन राम मांझी के शासन में अपराध नियंत्रण में था। मुख्यमंत्री या तो मांझी को सत्ता सौंपे या गृह मंत्रालय दे। वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जब मांझी जी हमारे साथ थे तो राजद बढ़िया था। अगर अपराध को जड़ से ही कंट्रोल करना है तो मांझी सीएम नीतीश कुमार से कहे कि वो तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप दे। साल 2020 में जनवरी से सितंबर के बीच बिहार में हर दिन दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के 4 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस विभाग के सूत्रों ने बताया कि राज्य के पुलिस थानों में ऐसे कुल 1106 मामले दर्ज किए गए हैं। आंकड़े के अनुसार जून में सबसे ज्यादा 152 मामले, जुलाई में 149 मामले और अगस्त में 139 मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले जनवरी में 88, फरवरी में 105, मार्च में 129, अप्रैल में 82, मई में 120 और सितंबर में 142 मामले दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं के अलावा बिहार के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में छेड़छाड़ और शोषण या ब्लैकमेलिंग के भी रोजाना 6 से 7 मामले दर्ज किए जाते हैं। कैमूर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नुआव में एम्बुलेंस की व्यवस्था भगवान भरोसे है। कब एम्बुलेंस बिगड़ जाएगी और कब सही रहेगा इसकी बात की जानकारी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को भी नहीं पता है। साल 2012 में 102 के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नुआव में एम्बुलेंस व्यवस्था की बहाली हुई थी, लेकिन 5 लाख किलोमीटर यह गाड़ी चल चुकी है और अब पूरी तरह से जर्जर अवस्था में हो गई है। जानकारी के अनुसार गाड़ी अक्सर बिगड़ते हालत में अस्पताल परिसर में खड़ी रहती है। कई बार प्रभारी द्वारा जिले में होने वाले चिकित्सकों से बैठक में मामला संज्ञान में लाया गया, लेकिन बस आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। दिल्ली की सड़कों पर इस कपकपाती ठंड में हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ जहां कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन है, वहीं मूल रूप से किसानों का आंदोलन किसान के पैदावार को उचित मूल्य को लेकर है। राजधानी रांची के किसानों को भी अपने फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। किसान अपनी फसल को जिस दाम में बेचते हैं वहीं बाजार पहुँचते पहुँचते 5 गुना तक अधिक मूल्य हो जाता है। खाने के स्वाद को बढ़ाने में मसालों की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन आजकल यही मसाले लोगों की जिंदगी पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। मसालों में होने वाली मिलावट के कारण हालात खराब होते जा रहे हैं। देश में लगातार मसालों में होने वाली मिलावटों की शिकायत के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। बिहार पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एग्जिट पोल फेल हुआ और हम लोग जीत कर आए। अब यही कहानी बंगाल में भी दोहराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला हुआ, टीएमसी ने कहा कि बीजेपी ने खुद हमला करवाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी के सभी नेता बीजेपी में आ रहे हैं,
किसानों को अब फसल बेचने का अधिकार मिलना चाहिए और यही कानून है, किसान अपनी मर्जी से सामान को बेचे। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसटीएफ न्यूज।